इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के सीनियर मेडिकल टेक्नीशियन मोहम्मद अनस साहब, जिनको आपने हर मुसीबत के वक्त में पेश पेश देखा। आज गुलियाना में काफ़ी दिनों से बेशुमार लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, उनका मवेशी फंसा हुआ था। हम अनस भाई से जानेंगे, आपने जो ऑपरेशन किया है इसके बारे में डिटेल के साथ हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी कोई 1.5 घंटा पहले हमें कॉल मौसूल हुई थी कंट्रोल गुजरात को कि खारियाँ का एक नवाही गांव है गुलियाना, जहाँ लोग और उनके जानवर जो हैं वो पानी के अंदर फंसे हुए हैं। हमने टाइमली रिस्पॉन्ड किया अपनी टीम के साथ और हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया। हमें जो इब्तदाई कॉल थी उसमें बताया गया था कि तकरीबन 14 जानवर हैं, यानी कि बकरे जो हैं वो हैं, और उनके साथ 2 फीमेल हैं, 1 मेल है, और एक उनके साथ 5 साल की छोटी बच्ची है जो वहाँ गहरे पानी में फंसे हुए हैं। जब हम वहाँ यहाँ आगे मौका पर पहुँचे हैं तो हमने देखा कि पानी जो है तो वो तकरीबन 4 फुट से लेकर 6 फुट तक की गहराई में है, और हमने अपनी बोट के साथ अपनी टीम के साथ ऑपरेशन स्टार्ट किया और वहाँ पहुँचे। और हमने पहले जो वहाँ मौजूद थे, विक्टिम मौजूद थे, जिनमें 1 मेल था, 1 बच्ची थी और 2 फीमेल थे, उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया, और फिर सेकेंडली हमने उनके जो जानवर थे उनको सेफली एवैक्यूएट करके सेफ प्लेस पर ले आए हैं। इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है, उसके साथ कुछ आबादी मौजूद है तो ऐसी परेशानी वाली? जी, आबादी तो मौजूद है, लेकिन हमने सारा वहाँ सर्च किया है, जो रहशियन थी उनमें सर्च किया है, तो वहाँ जो ये फैमिली ट्रैप थी इनको भी पूछा है, तो वहाँ इर्द गिर्द अभी फैमिलीज जो हैं वो नहीं है, वो ऑलरेडी सेफ प्लेसेस पे पहुँच चुकी हैं। ये एक ही फैमिली थी जिनको हमने एवैक्यूएट कर लिया है, और वहाँ अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई जो इंसान है वो वहाँ ट्रैप नहीं है। सर, हमारे चैनल की तरफ से, गुलियाना की पूरी कम्युनिटी की तरफ से, इस पूरी कौम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारे नेक ख्वाहिशें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपकी फैमिली का कितना सामान इन्होंने रेस्क्यू किया है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, पानी कितना है और कितना नुकसान हुआ है आपका? नहीं, पानी यानी अभी बाहर है, मकान के अंदर नहीं गया, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। तकरीबन मेरे ख्याल माल मवेशी 14 बकरे हैं और कुछ सामान है, 2 औरतें हैं, 1 ससुर है मेरा, 1 सास है, तो जानी माली नुकसान कुछ नहीं हुआ, ये खुदा का शुक्र है बचत गया। पानी अभी और आ रहा है तेज़ी से, पानी बहुत रफ्तार में है। तो क्या कहना चाहेंगे रेस्क्यू वालों के बारे में आप? रेस्क्यू ने मतलब बहुत अच्छा तावन किया और बहुत ही प्यारा, ये फोन, एक फ़ोन करने की देर थी, ये आए हैं, इन्होंने सारा सामान उधर से लोड किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, थैंक यू।